हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा अंधेरा इसलिए था, हम लोगों का जो ये वंदे भारत ट्रेन था हावड़ा टू एनजीपी जाने के लिए, ये 5:55 में था सुबह का। तो हम लोगों को हावड़ा जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए हम लोग बहुत जल्दी निकल गए थे घर से। तो वहाँ पे जाके हम लोग जब पहुँचे थे तो 5 बज गए थे, तो इसलिए इतना ज़्यादा अंधेरा था। और हम लोगों को C4 कोच मिला था जो बिल्कुल ही लास्ट की तरफ था स्टेशन के, तो वहाँ पे उतना ज़्यादा लाइट भी नहीं थी। और मुझे ज़ुकाम हो चुका है तो इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसी है, तो मैनेज कर लेना, ठीक है ना। और इसी अंधेरे से हम जाते जाते अपने कोच तक पहुंच गए थे C4, मतलब देख ही सकते हो जा ही रहे फिर भी मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। तो उसके बाद हम लोग अपने कोच पे पहुंचे थे और वहाँ पे देख रहे थे सब खाना वाना वो लोग रेडी कर रहे हैं जो वो लोग देते हैं ट्रेन के अंदर, ब्रेकफास्ट वगैरह। तो ब्रेकफास्ट वो लोग रेडी कर रहे थे, यहाँ पे देखो पानी का बॉटल है, उधर वो लोग ब्रेकफास्ट रख रहे थे। तो यही है। उसके बाद हम लोग खुलजा सिमसिम वाले दरवाजे से अंदर गए और उसके बाद हमारा जो ट्रेन जर्नी है वो स्टार्ट हुआ 5:55 से। तो यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, अब जब भी वंदे भारत में टिकट बुक करने जाओगे तो वहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक विद फूड एंड विदाउट फूड। तो विदाउट फूड अगर आप टिकट बुक करते हो तो आपको थोड़ा सा पैसा कम पे करना पड़ता है, और फूड के अंदर भी आपको वेज नॉन वेज दो ऑप्शन मिल जाते हैं। और ये जो वाटर बॉटल है ये सबको मिलता है, ये कॉम्पल्सरी है, विद फूड विदाउट फूड सब पैसेंजर को मिलता है ये वाटर बॉटल। और विदाउट फूड अगर आप टिकट लेते हो तो आप उन लोगों को बोल सकते हो कि मुझे ये वाला ब्रेकफास्ट या फिर लंच चाहिए, आप एक्स्ट्रा पे करके वो चीज़ ले सकते हो उन लोगों से, ठीक है ना। और यहाँ पे आ गई है मेरी चाय की किट, जिसके साथ मुझे एक बिस्किट का पैकेट मिला है और एक चाय की किट और गर्म पानी। तो चाय आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। और उसके बाद आ चुका है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मैंने नॉनवेज लिया था इसीलिए मुझे ऑमलेट दिया गया है, और ये रहा ब्राउन ब्रेड एंड उसके साथ जैम दिया गया था और ट्रॉपिकाना का एक जूस एंड बटर भी मिला है, अमूल बटर एंड चोको पाई भी मिली है और खाने के लिए चम्मच, और सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर दिया गया था और एक छोटा सा सैनिटाइज़र भी। और उसके बाद मैं चली गई थी वॉशरूम। वॉशरूम तो मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लीन था और वो लोग बार बार क्लीन कर भी रहे थे वहाँ के जो स्टाफ थे। तो ये देखो यहाँ पे एक बहुत मतलब बेसिन आपको वॉशरूम के अंदर ही मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात, हैंड ड्रायर भी मिल रहा है यहाँ पे, तो बहुत ही गजब का चीज़ था यार। और वॉशरूम भी दो टाइप के थे, एक इंडियन वॉशरूम एंड एक वेस्टर्न वॉशरूम। तो दोनों तरफ दोनों टाइप के वॉशरूम मिल जाते हैं और ये क्या था मुझे पता नहीं, मैं बहुत देर तक देखती रही कि ये क्या है। और यहाँ पे आपको जेट स्प्रे भी मिल रहा है। देन आ गया था लंच। लंच में था चिकन करी बिकॉज नॉन वेज था, और दाल, एक भाजी थी और जीरा राइस, और कर्ड दिया गया था और वो अचार दिया गया था, और दो पीस चपाती आई थिंक रोटी, और क्या यही था लंच में, हाँ, और खाने के लिए चम्मच और सैनिटाइज़र, और लास्ट में दिया गया था आइसक्रीम। तो देखो ये भी खा रही थी मेरे साथ आइसक्रीम, तो ठंडी में ठंडा ठंडा आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और होता है ना। हाँ और उसके बाद पहुंच गए थे हम NGP, और ट्रेन था लेट इसलिए बहुत ही बुरा लग रहा था, खुशी बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, और हम लोग वेट कर रहे थे अपना गाड़ी के लिए। सो हम लोगों ने पैकेज बुक किया था, तो पैकेज से ही हम लोगों को चित्रे में नाइट स्टे करने के लिए रूम दिया गया था। तो रूम कुछ ऐसा था, तो देखो रूम एकदम छोटू सा था बट ठीक ठाक ही था, छोटू सा। तो यहाँ पे सब लगेज था,
तो हम लोगों ने दो रूम लिए थे, तो ये पहला वाला रूम है। और ये डाइनिंग है, तो डाइनिंग में वो लोग खाना देके गए थे। खाना जो है सेल्फ सर्विस है, तो आप खुद लो, खा लो, वो लोग देखने भी नहीं आएंगे। तो खाना खा के आप रख दो प्लेट वहाँ पे, तो ऐसा था। और ये जो है, ये वहाँ का जो छत है, छत में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, सारा जगह पूरा अंधेरा ही अंधेरा। और ये जो लाइट है, ये आई थिंक 1 जनवरी के लिए लगाए गए थे, मतलब हैप्पी न्यू ईयर के लिए। तो क्योंकि हम लोग जो गए थे 4 तारीख को हम लोग गए थे, तो उस हिसाब से ये लाइटिंग जो है हैप्पी न्यू ईयर के लिए ही लगाए गए थे। और रात के टाइम वहाँ बहुत ही ठंड था, -4 डिग्री था वहाँ पे, तो बहुत ही ज़्यादा ठंड था। और हम लोग मतलब यहाँ से कोलकाता से वहाँ पे गए थे, तो हमें और भी ज़्यादा ठंड लग रहा था, बिकॉज़ आप लोगों को पता ही है कोलकाता में तो उतना ठंड है नहीं। और ठंड के मारे किसी व्यक्ति की हालत कैसी हो सकती है वो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए, ये तो हमारा लगेज, और यहाँ पे एक बेड दिया गया था, और उस तरफ भी एक बेड है। तो चलिए हम वार्तालाप करके जानते हैं। बोलो कैमन लगजे, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, ठंडा नहीं लग रहा? हाँ भाई, बहुत ठंड है। हाँ। कितना ठंड है? इतने ठंड है। कितनी? इतने। और यहाँ पे नेटवर्क का बहुत इशू चल रहा था, मतलब मेरे फोन में तो कोई भी सिम काम नहीं कर रहा था, एयरटेल जियो कोई भी सिम काम नहीं कर रहा था, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। पर होटल में आपको वाईफाई का ऑप्शन मिलता है, तो आप वहाँ के स्टाफ को बोल के अपने फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो। और रात को बहुत ज़्यादा ठंड के कारण हमको रूम हीटर लेना पड़ा, जो 400 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा रूम हीटर के लिए। और ठंड के कारण मेरी हालत भी बहुत ख़राब थी, फैशन जाए भाड़ में, मैं एकदम पूरा ऊपर से नीच तक मतलब एकदम पैकिंग हो गई थी, बिकॉज़ बहुत ठंड था वहाँ पे, तो देख ही सकते हो मेरी हालत। और उसके बाद यहाँ पे बाथरूम में आपको गीज़र भी मिल जाता है, गीज़र आपको 24 आवर्स चालू मिलेगा, तो ये बहुत बढ़िया बात थी कि गर्म पानी की कोई कमी आपको महसूस नहीं होगी। तो यही है आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे सांदाकफू, तो वो वाला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। तो चलो, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।